नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र से है, जहां कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आवासित कक्षा 12 की बालिका वीरपाल कौर को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। वीरपाल कौर राजस्थान की 5 बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री के विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होगी। ये जानकारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहिता शुक ने देते हुए बताया कि इस दल को 14 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में दोपहर के भोज के साथ दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा गया है। छात्रा को आमंत्रित किए जाने पर विद्यालय और उसके इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि बालिका वीरपाल कौर के कक्षा 10 में 90% अंक प्राप्त होने के पश्चात पिता की मृत्यु होने पर 3 साल के लिए पढ़ाई बाधित हो गई थी। गत वर्ष कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चयन होने पर पुनः अपने अध्ययन अध्यापन की मुख्य धारा में शामिल हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी रमेश कुमारी के अनुसार बालिका काफी प्रतिभाशाली है, भविष्य में समाज के किसी बड़े पद का दायित्व धारण करने की क्षमता रखती है। मात्र 2022 में भी KGBB में आवासित बालिका सुखदीप कौर प्रधानमंत्री के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हुई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है, उसके विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी की NSS की स्वयं सेविका वीरपाल कौर का चयन किया गया, जो वहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उक्त बालिका द्वारा NSS की विभिन्न गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान रहा। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रही है। कक्षा 10 में 90% प्राप्त होने के पश्चात पिता की मृत्यु होने के कारण 3 वर्ष तक उक्त बालिका ड्रॉप आउट रही। उसके पश्चात KGBB में एडमिशन होने के कारण उक्त बालिका समाज की मुख्य धारा में पुनः जुड़ सके और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के जो उद्देश्य है उनको पूरा किया। इस चयन पर सला परिवार की ओर से उक्त बालिका और समस्त शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों का हार्दिक आभार। मेरा नाम वीरपाल कौर है, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहती हूँ, हॉस्टल में, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। और NSS के आधार पर महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु मेरा दिल्ली जाने के लिए सिलेक्शन हुआ है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मैं एक अतिथि के रूप में उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और मेरी रुचियां हैं, आत्मविश्वासी हूं मैं, आशावादी हूं और जहां तक हो सके वहां तक ईमानदारी रखती हूं। और ये मैं सोचती हूं कि हमारे स्कूल में और हॉस्टल में लगभग 600 लड़कियाँ हैं, अगर मैं वहाँ पर जाकर मंत्री जी से और उनसे बातें करूँगी तो इन सारी लड़कियों को मैं प्रोत्साहन दे सकूंगी कि मेरे जैसा वो भी करें, शायद वो मेरी रुचि को अपने कर्तव्य के रूप में धारण कर लें और ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आशावादी आधार पर अपना जीवन सफल बनाएं, ऐसे मेरे जैसे बने। और इसके आगे मेरे 3 साल का अध्ययन जो था वो बीच में छूट गया था और उसके बाद फिर मैंने अपना बैकग्राउंड वापस स्थापित किया, मैंने दोबारा से अध्ययन शुरू किया है 3 साल के बाद। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे श्री प्रधानाचार्य की रही है, रोहिता शुक्ल जी की, जिसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ पढ़ने के लिए दोबारा लग गई और इसके आधार पर कार्य करते हुए मैं दिल्ली जाने का मेरा चयनित हुआ है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगी। मैं बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू। तो आप जो बेटियाँ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने माध्यम से? मेरे माध्यम से संदेश देना कि मेरे जीवन में जो असफलताएं आई, यानी हमारे जो पुरुष प्रधान समाज था उसमें ये सोच थी कि जो बेटियां हैं वो बेटियां हैं जो पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैंने उनको करके दिखाया। हालांकि मैं इससे डरती नहीं, लेकिन माँ मेरी ने साथ दिया इसलिए मैं दोबारा पढ़ने के लगी। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, मेरे आगे तो बहुत छोटी सी मुश्किल थी लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं लड़कियों के जीवन में, तो जब ऐसे मुश्किलें आ जाए तो हार नहीं मानने, अपने पर आत्मविश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते जाना निरंतर। और अपने आप अगर आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे आत्मनिर्भर बनते जाओगे, तो मेरा अफकोर्स यानी मैं विश्वास करती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि हमारी छात्रावास की जो बालिका है वीरपाल कौर, अच्छा प्रदर्शन करते हुए NSS में स्काउट के तौर पर इसका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अब PM साहब से मिलेगी, उनके साथ भोज का भी आयोजन है,
और हमारी ये शुभकामनाएं है कि बच्ची ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। क्या नाम है मैडम आपका?